नमस्ते दोस्तों, 1983 में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था। देश में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही थी, सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर समवन प्रोड्यूसेस अ क्रिकेट बेस्ड मूवी। और वही हुआ, एक साल बाद 1984 में एक मूवी रिलीज हुई, ऑलराउंडर। एक ऐसी मूवी वेयर द हीरो टेक्स विकेट ऑफ अ नो बॉल एंड नो वन इंक्लूडिंग द अंपायर एंड डायरेक्टर नोटिस्ड इट। एक ऐसी मूवी विच हैज माइंड ब्लोइंग लिरिक्स लाइक गेट अटैच्ड टू मी बाय बिकमिंग अ बटन ऑन माय ड्रेस। The kind of movie where paid female goons repeatedly kissing the hero forcefully before beating him up is supposed to be funny. ये सीन कुछ जमा नहीं। A movie that was clean bold at the box office. लेकिन उससे पहले, in fact काफी पहले, way back in 1959, एक movie release हुई थी जिसका नाम था Love Me! Starring the legendary Devanand sir and Mala Sinha ma'am. ये पहली movie थी जिसमें cricket scenes थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये क्रिकेट पर आधारित पहली मूवी थी, क्योंकि खेल के सिर्फ दो ही सीन्स हैं, बट मूवी के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़के को क्रिकेट खेलते देखकर लड़की को प्यार हो जाता है। ये कहानी है सुनील की, एक क्लब क्रिकेटर जो झांसी में रहते हैं। मूवी की शुरुआत होती है इनकी एक सेंचुरी से, जिससे इनकी टीम मैच जीत जाती है। नौकरी मिलने पर सुनील मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में जहाँ ये किराए पर रहते हैं, उस घर की मालकिन मिस गीता है, जो खुद एक क्रिकेट फैन है। दीवार पर क्रिकेटर्स के फोटोज हैं, जैसे कि द ग्रेट विनू मंकद। शुरुआत में गीता को सुनील पसंद नहीं आते, बट दे कीप रनिंग इनटू ईच अदर इंसिडेंटली। अब इस एरा की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि लोग छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये सीन, एक रेस्टोरेंट में सुनील अपना खाना गिरा देते हैं, सभी कस्टमर्स दिल खोल के हंसते हैं, जैसे कि ये अंकल। अब देखो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट टेस्ट इन ह्यूमर, वेदर इट्स 1959 और 2023। इमेजिन थ्री गाइस इन अ रूम, टू ऑफ देम हैव स्कोर्ड डबल सेंचुरीज एंड वन हैज मोर देन 200 इंटरनेशनल विकेट्स, एंड टुगेदर दे कम अप विद दिस। इंटेंसिटी, पैशन, आई हैव द इंटेंसिटी, आई हैव द पैशन, आई विल मेक इट, आई डेफिनेटली मेक इट। अब सुनील जिस कंपनी में काम करते हैं, उनका एक क्रिकेट मैच होने वाला है, विच आई सपोज इज अ टाइम शील्ड टूर्नामेंट, एंड दे अर्जेंटली नीड एन ओपनिंग बैट्समैन। तो सुनील अपने बॉस से कहता है कि ही कैन प्ले एज एन ओपनर फॉर द टीम, लेकिन बॉस को उन पे भरोसा नहीं है। तो सुनील उन्हें चैलेंज करता है कि अगर वो सेंचुरी स्कोर नहीं करेगा तो वो जॉब छोड़ देंगे। क्या कॉन्फिडेंस है यार, आई वॉज लिटिल वरीड हियर। मान लो अगर ऑपोजिशन टीम ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने बहुत कम रन स्कोर किए, इसका मतलब ये कि सुनील विल हैव वेरी लेस रन्स टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द सेंचुरी। द वेरी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन दैट पंकज वाज इन, जहां गर्लफ्रेंड के पापा ने उसे चैलेंज किया कि अगर वो सेंचुरी स्कोर नहीं करेगा तो फिर उसकी बेटी के साथ नो मोर हम्बा हम्बा रंबा रंबा। सो कमिंग बैक टू लव, मैच डे के दिन गीता और सुनील दोनों घर के बाहर मिलते हैं। गीता इज गोइंग टू द स्टेडियम एज अ क्रिकेट फैन टू एंजॉय द मैच। और जब सुनील गीता को ये बताते हैं दैट ही इज आल्सो गोइंग टू द स्टेडियम बट एज अ क्रिकेटर, उस वक्त गीता का रिएक्शन इज लाइक गजब बेइज्जती है। द टर्नआउट फॉर द मैच इज क्वाइट गुड फॉर अ टाइम शील्ड्स मैच, पीपल आर वेरी एक्साइटेड, इतना कि ये बंदा तो बेचारा लूप में अटक गया है। आई होप ही गॉट आउट ऑफ इट। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एक ऐसा दौर था जब लोगों को खुशियां जाहिर करने के लिए सिर्फ कोई बहाना चाहिए था। यहाँ पर सुनील पहला बॉल डिफेंड करता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगली बॉल पर बीट हो जाने पर लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, हंसते हैं। सुनील अपना खाता खोलते हैं 4 रन भागकर। इट सीम्स लाइक वी हैड लॉन्गर बाउंड्रीज इन टाइम शील्ड्स मैचेस देन बाउंड्रीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट टुडे। ऑनेस्टली द क्रिकेट एक्शन इज नथिंग मच टू राइट अबाउट। वहाँ भीड़ में दो औरतों के बीच जो आर्ग्यूमेंट होती है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द क्राउड ऑल्सो फील्स द सेम। सुनील लेग साइड और ऑफ साइड दोनों तरफ स्कोर करते हैं। और हाँ, सुनील सेंचुरी स्कोर करने में भी कामयाब होते हैं, थैंक गॉड इनकी नौकरी बच गई। एब्सोल्युटली। सेंचुरी स्कोर करने के बाद वो गीता की तरफ देखते हैं। गीता इज इंप्रेस्ड एंड शी फॉल्स इन लव विद हिम। मैच के बाद लड़कियां सुनील का ऐसा पीछा करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट क्रीपी। मुझे लगा पक्का सुनील किडनैप होगा, बट नहीं, इन लड़कियों को सिर्फ ऑटोग्राफ चाहिए था। ये खुला मैदान है, इस तरह चोरी छुपे क्यों आते हैं? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो लड़कियां सुनील के ऑटोग्राफ के लिए मर रही हैं, एंड देन इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ आवर मूवीज एवरीवन सडनली ब्रेक्स इनटू अ सॉन्ग। ताजुब की बात यह है कि मैंने बचपन में ये गाना काफी सुना था, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन सी मूवी का था। इट्स अ वेरी फन पेपी सॉन्ग। द सॉन्ग गोस लाइक, शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। जरा सोचो दोस्तों, मेरे लिए कितनी बड़ी राहत थी, फ्रॉम लिस्निंग टू जहां हार्ट डालते हैं वहां फाट डालते हैं टू समथिंग एज इनोसेंट एज दिस सॉन्ग। सुनील फेमस हो जाते हैं, अगले दिन के अखबार पर खबर छप जाती है, सेंसेशनल इनिंग्स बाय सुनील। गीता तो अब सुनील पे पूरी लट्टू हो चुकी है, सुनील भी उसे पसंद करता है, मानना पड़ेगा यार सुनील को। बंदे ने नए शहर में आकर किराए के घर पे रहकर घर के मालकिन को ही गर्लफ्रेंड बना लिया।
Now the rest of the movie mostly centers around their love story, how they fall in love, how they get married and later face obstacles in their married life. Cricket के ना कोई scenes है, ना जिक्र किया जाता है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि देवानंद सर probably love cricket और शायद इसीलिए 30 साल बाद उन्होंने एक cricket based movie बनाई अव्वल नंबर, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ. एक ऐसी मूवी जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला ये बताकर कि देवानंद की माँ सिंडी क्रॉफर्ड है. लव मैरिज मूवी को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं. ऑनेस्टली देवानंद हैज डन बेटर मूवीज, बट यू कैन स्टिल वॉच इट फॉर सम गुड एक्टिंग फ्रॉम द लीड पेयर एंड ऑफ कोर्स फॉर द फर्स्ट एवर लव सॉन्ग विद क्रिकेट एनालॉजीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें. प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोड्स. माई सोशल मीडिया हैंडल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन.